तो फाइनली फ्रेंड्स डीएस सेलशल की मेन ब्रांच हाई कोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं गाइस, अब हम लेने आ चुके हैं यहाँ पे अपना वन प्लस। तो गाइस काफ़ी देर से इंतजार था इस फोन का। तो अभी आपको बता दूं कि मेरा कज़न भी जो है उसने मुझे सजेस्ट किया था, जैसे आप पीछे देख सकते हो तरुण, तो ये मेरा कज़न है। तो इसने मेरे को सजेशन की थी ओप्पो की, क्योंकि ये ओप्पो के प्रमोटर है। लेकिन बाद में मैंने इनको अपना बताया मेरे को ब्लॉगिंग के लिए चाहिए, तो उसके बाद इन्होंने मेरे को चूज़ करवाया वन प्लस। तो ये पड़ रहा है इस टाइम पे गाइस 55,000 के करीब में। तो बाकी जो इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये तरुण और ये इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे अभी आपको। तो फाइनली गाइस अनबॉक्सिंग होती हुई वन प्लस की। देख सकते हो कलर की बात करूँ तो वन प्लस में हमने लिया ब्लैक कलर। यार काफ़ी प्यारा कलर है यार, ये हमें सजेस्ट किया था मैंने। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है यार, और जूम भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो मैं आपको बता दूँ आपको इसमें 8K वीडियोस भी दिखने को मिल जाएंगी। काफ़ी पिक्चर क्वालिटी कितनी कमाल की है। और ये बैक साइड है इसका, बैक कैमरा। फाइनली अभी हम बाहर पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सेलशल की मेन ब्रांच थी हाई कोर्ट में। तो यहाँ से भी हमने ले लिया फ़ोन, कैरी कर लिया। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले घर पे। तो उसके बाद गाइस अब मैं यहीं से व्लॉग अपना स्टार्ट कर दूंगा घर जाने के बाद। पहले तो हम जाते हैं पेट्रोल पंप और करवाते हैं फुल एकदम टैंकी, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम पंचहरी हो चुके हैं इस टाइम पे, पंचहरी वाले रोड पे। तो मैं आपको बता दूं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है यार। हम घर से निकले भी 3 बजे थे और अभी का टाइम मैं आपको बता दूं 5 बज चुके हैं। और यहाँ से अभी हमें जाना है 33 किलोमीटर और। तो अभी इस टाइम पर हम उधमपुर से मार्केट से निकले थे थोड़ी सी ऊपर, तो लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं मोमोज़ खाने के लिए। और मेरे साथ आया हुआ मेरा फ्रेंड अक्षय, जो हम इकट्ठे ही जॉब करते हैं, हम एक साथ ही जॉब करते हैं गाइस। और हम इकट्ठे ही निकले थे, तो फ़ोन लेने के लिए भी ये मेरे साथ ही गया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आपके भाई ने ले लिया भाई वन प्लस अब। तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे खाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं ऑमलेट वगैरह, लेकिन हम खाएंगे अभी इस टाइम पे मोमोस। वन प्लस में नहीं बन रहा हाँ, ये ब्लॉग वन प्लस में नहीं बन रहा है हाँ, ये बात। ये वीवो वी 17 में बन रहा है जी। तो इसके बाद अभी हम भैया का फ़ोन चुरा के आए हैं आज, बड़े भाई का फ़ोन लेके आए हुए हैं। तो मेरा फ़ोन आ गया हुआ है, तो उसको उसमें बनाएंगे अभी हम ब्लॉग। तो वो ब्लॉग अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद गाइस। तो कोशिश करूंगा अब आपके लिए डेली ब्लॉग लाने के लिए कोई एक बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे आपको। तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे मोमोज खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। सात किलोमीटर दूर है अभी हम पंचहरी से। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ के मौसम के बारे में, मौसम में एकदम बढ़िया मौसम है, ठंडा मौसम है, एकदम चिल्ड मौसम है। तो जम्मू से जब हम निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी कमाल का मौसम है। जैसे कि आपने देखा होगा पटनी टॉप सेम उसी की तरह ये एरिया भी है पंचहरी। बाकी जब हम ऊपर पहुँचेंगे मेन जो है वहाँ का, तो वो सब आपको दिखाते हैं बाकी वहाँ पर जाके। तो भाई व्यू देख सकते हो आप यार, काफ़ी कमाल का व्यू है यहाँ का। अभी हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ी बिल्कुल एकदम सामने सामने दिख रही है। तो यार पंचहरी के मौसम की बात करूं तो एकदम कमाल का मौसम है, एकदम ठंडा मौसम है यहाँ पे। जम्मू के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है।
तो जब हम आए थे तब तो काफी ज्यादा गर्मी थी, और अभी आप देख सकते हो यार मौसम। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम पंचारी। तो देख सकते हो यार पंचारी का एटमॉस्फेयर जो है काफी ज्यादा कमाल का है यार। भाई अब चलेगी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, पैदल ही चलते हैं। पहुंच चुके हैं पंचारी। तो मैं आपको बता दूं जम्मू से हमें यहाँ पे पहुंचने में लग गए लगभग 3 घंटे। तो मैं आपको बता दूं सेम पटनी टॉप की तरह है यहाँ पे भी हिल स्टेशन। तो ये एक हिडन हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम लोग आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस जगह से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुए हैं। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे पंचारी से। तो मैं आपको आगे पीछे की और भी जगह दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं टॉप पे, हमें भी नहीं पता ये जगह कौन सी है। फिलहाल हम पूछ के यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक पार्क भी है, वो वहाँ पे भी हो आएंगे हम। और उसके बाद बाकी हम देखते हैं नीचे और भी कौन कौन सी जगह है। तो यार ये देख सकते हो आप भाई, ये है पंचारी मेन। तो ये सामने होटल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल के होटल बने हुए हैं यहाँ पे। एक साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी दिख जाएंगे गाइस। तो यार ये तो मेरे को थोड़ा थोड़ा फील करवा रहा है पटनी टॉप। चलते हैं ऊपर को, और ऊपर का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ काफ़ी कमाल का। और बाकी जो होटल्स हैं यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो यार, एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम बढ़िया, और सेम कलर के आपको होटल्स दिखेंगे यहाँ पे। बाकी इनकी प्राइस की बात करूँ मैं तो वो अभी आपको कन्फर्म करवा देता हूँ सारा पूछ के। अगर आप यहाँ पे कभी भी आना चाहोगे तो ये वीडियो देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस जगह के बारे में। और भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा अक्षय जो बाइक चला के आया यहाँ तक, जो मेरी पीछे लगी हुई है TVS जम्मू से यहाँ तक। तो भाई यहाँ पे करते हुए स्टंट, ये टैलेंट कहाँ से आता है? ये उधमपुर का टैलेंट है, पंचारी उधमपुर ही है भाई, काफ़ी दूर से आ गया भाई। ग्रेट यार, बहुत सही है। जैसे मैंने कंफर्म किया तो मैं आपको बता दूं, जो ये वाले होटल्स हैं अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, तो अभी के लिए यहाँ पे ये सारे क्लोज कर दिए हुए हैं कोरोना की वजह से। तो वैसे भी ये बंद ही है, अगर कह रहे हैं अगर आप फैमिली के साथ अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको नियर बाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल्स मिल जाएंगे इसी रूट पर आगे जाके। तो वैसे तो यार यहाँ पे ये वाले होटल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यार, इसकी बालकनी भी एकदम बेस्ट है। तो आपको थोड़ा सा दिखा देता लेकिन शायद ये लॉक ही रखे हुए होंगे इनके ऑनर ने। हाँ तो बाकी यार यहाँ से आप आगे पीछे का व्यू देख सकते हो यार, काफ़ी कमाल का व्यू है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आ भी रहे हो तो कुछ समय बाद ये ओपन कर दिए जाएंगे सारे के सारे होटल्स, तो आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हो और खा पी भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एक दो। और अभी काफ़ी ज़्यादा कम लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को यहाँ के बारे में पता चल रहा है तो वैसे वैसे लोग भी आएंगे यहाँ पे। मेरी ये वीडियो देख रहे हो अगर आप भी, तो यहाँ पे ज़रूर आओ, काफ़ी अच्छी और कमाल की जगह है गाइस ये वाली। फैमिली के साथ आने चाहते हो तो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो आप, और फैमिलीज के साथ तो एकदम बढ़िया और बेस्ट जगह है ये। तो फाइनली फ्रेंड्स यहीं तक का था आज का हमारा ब्लॉग, और यहाँ तक का था आज का हमारा सफ़र। तो यहीं पर करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को ख़त्म। तो गाइस ऐसे ही अमेजिंग और ख़तरनाक ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सुमित ब्लॉग्स फ्रॉम इंडिया सीधा हिंदुस्तान से।